बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 20 जून 2024 है, ईद की छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे है और आज ही कुछ इस तरह की डिवेलपमेंट्स हुई हैं जो बहुत वाजे हैं, बहुत दो टोक हैं और आइंदा आने वाले मुस्तकबिल का मंजरनामा हमारे सामने वाजे हो जाता है। एक जानिब तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की आज फेयरवेल भी हुई और बाकी जजेस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने उन्हें फेयरवेल दी, यानी कि अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। लेकिन इस सब के अंदर जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने एक फैसला महफूज किया था। वो फैसला था सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को हिरासा किए जाने का अज खुद नोटिस केस, और उस केस के अंदर आपको पता है कि सेक्टर कमांडर आईएसआई सरगोधा को भी नोटिस हुआ था। अब वो फैसला तो जज साहब ने सुना दिया है। इसके साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए, इलेक्शन कमीशन ने ऑब्वियसली वो फैसला चैलेंज ही करना था, वरना तो इलेक्शन कमीशन उजड़ जाता। वो फैसला इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। जब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो काजी साहब ने बेंच बनाया, तो आज उसकी भी समाप्त हुई है। एक जानिब कुछ लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को रिलीफ नहीं मिला इंस्टेंट, लेकिन काजी साहब के रिमार्क्स जो हैं वो पीटीआई के लिए एक आई ओपनर है, इस निजाम के हवाले से और इस अवाम के लिए भी आई ओपनर है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जज जो है वो इस सिस्टम के बारे में क्या सोचता है। साथ ही साथ पीटीआई अरकान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे हैं और पीटीआई अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर हल्फ उठाया है, और ये हल्फ किस चीज का है और काजी साहब जो कि अंदर बैठ के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस सुन रहे थे, उन पर किस तरह से आज स्ट्रेटेजिक अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर तमाम तर मीडिया के सामने प्रेशर बिल्डअप हुआ है, उस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बता दूं कि एक डेवलपमेंट लाहौर हाईकोर्ट में यह हुई है कि बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए दायर दरखास्त पर समाप्त हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाप्त की। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि इलेक्शन एक्ट के निशान वापस लेने वाली शिकें चैलेंज करें। आर्टिकल 17 के मुताबिक सियासी जमात पर 2 हवालों से पाबंदी लगाई जा सकती है, पाकिस्तान की सालमियत और बका की बुनियाद पर ही पाबंदी लग सकती है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान दोबारा अलॉट किया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिसेस जारी करते हुए जवाब जो है वो तलब कर लिया। अच्छा, इसके साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि गुलूकार मोहम्मद अशरफ जो है उर्फ मलकू, उनका नाम जो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है PNIL, जो कि आपको स्टॉप करती है टू ट्रेवल अब्रॉड, उसमें इनका नाम डालने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और ये अजहर सिद्दीक साहब जो हैं उनकी विसातत से दरख्वास्त दायर की गई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मलकू जो है उनके हवाले से अच्छा फैसला आएगा अदालत से, और ऑब्वियसली वैसे अदालत का फैसला इतना मैटर अब नहीं करता, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला देख ही लिया, इमरान रियाज वरना हज पे होते इस वक्त। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में ना अहली, ये केस भी लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ था। इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में ना अहली के खिलाफ दरखास्तों पर समाप्त हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्त पर विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए आज उनसे जवाब तलब कर लिया है। लार्जर बेंच ने दरखास्तों पर समाप्त जो है वो 2 सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। शहरी आफाक अहमद ने दरखास्त के काबिले समाप्त होने पर एतराज किया, लेकिन जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा कि आपका केस से कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त नाज़रीन कराम, महीना चल रहा है जून का, जुलाई अगस्त सितंबर, अब 3 महीने बाद इस केस को फिक्स कर दिया गया है, इमरान खान साहब की नाअहली के केस को, तो आप खुद ही समझ जाएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक जो है वो दरअसल अब जा रहे हैं, और उन्हें क्यों ले जाया जा रहा है, टेक्निकली तो ये आपको प्रमोशन नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, मतलब इतने ही बुरे हैं, तो काजी साहब उन्हें निजाम को बचाने के लिए जस्टिस शहजाद मलिक से, शहजाद मलिक साहब को अपनी अदालत लेके आने के लिए तैयार हो गए। ऑल दो उन्होंने इतना कुछ बुरा किया, उन्होंने कानून की राह में रुकावट बने, बेटी वाले मामले और ये सारी चीजें, लेकिन ये निजाम का दोगलापन ही है ना, फिर अब उनकी बुराइयां याद आ गई। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज एलिवेट किया गया तब नहीं बुराइयां याद आई।
अब नाज़रीन कराम, ये जो पहला काम हुआ है खान साहब के साथ, ये बहुत अलार्मिंग है और इसे अनहोनी ही कहा जाए पीटीआई के साथ तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस शहजाद मलिक और जस्टिस शाहिद बिलाल, ये दोनों जज साहिबान हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इनकी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के साथ अलविदाई मुलाकात हुई और उस अलविदाई मुलाकात सेरेमोनियल फेवल और अलविदाई मुलाकात जो है उसके बाद एक फोटो भी बनाया गया। लेकिन अब कुछ और चीजें हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर साइमल्टेनियसली शुरू कर दी गई हैं, एट द वेरी मोमेंट उनका आगाज कर दिया गया है। एक तो मैंने आपको बता दिया सितंबर तक केस लग गया। अब सुने, पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से केसेस की ट्रांसफर दरखास्तों पर 22 लाख रुपए जुर्माने आयद करने पर अपील दायर करने का फैसला किया है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोसिक्यूशन पंजाब ऑफिस की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने एटीसी रावलपिंडी से बानी पीटीआई समेत दीगर की जमानती केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्तें दायर की थी। तहरीरी फैसला मौसूल होने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। ये प्रोसिक्यूशन पंजाब का जो ऑफिस है उसके जराए बता रहे हैं। बेसिकली केस क्या था, केस लाहौर हाईकोर्ट में यह आया कि फलाना केस जो है ना एटीसी पिंडी के जज से इधर मुंतकिल कर दिया जाए। वो सारे केसेस 2-2 लाख 11 मुख्तलिफ दरखास्तें थी, 2-2 लाख रुपया जुर्माना लगा के 22 लाख रुपया जुर्माना लगा के उड़ा दिया लाहौर हाईकोर्ट ने केस के। ये क्या तमाशा, ये क्या मजाक, ये क्या तबसखर लगाया हुआ है, केस ट्रांसफर करें, केस ट्रांसफर करें, जिधर आपकी मर्जी का जज मैनेज नहीं हो रहा केस ट्रांसफर करें या फिर जज को उठा लें या जज को प्रेशराइज करें। तो लाहौर हाईकोर्ट ने स्टैंड लिया था, लेकिन अब चूंकि जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं वो जा रहे हैं और शहजाद मलिक साहब के जाते साथ ही आप कह लें कि पंजाब जो हुकूमत जो है उसने इनके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला भी कर लिया है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट हुई है तो वहीं दूसरी जानब जस्टिस शहजाद मलिक जो है उन्होंने जो सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं उनको धमकियों के मामले पर तौहीन अदालत का जो एक अज खुद नोटिस लिया था उस पर तहरीरी फैसला जारी किया है। और इस सब के अंदर जो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद हैं उन्होंने आज समाअत का आगाज किया। आज उनकी फेवल भी थी सेरेमोनियल और साथ समाअत का आगाज भी किया। लाहौर हाईकोर्ट ने जज इंसदादी दहशतगर्दी सरगोधा को धमकियों के मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने डीएसपी सरगोधा, एसएचओ और सीटीडी को शो काज नोटिसेस जारी कर दिए। दे हैव टू गिव देयर रीजन नाउ, इजहार वजूह के नोटिस, शो काज नोटिसेस जो हैं वो जारी हुए हैं। अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस पर 27 जून को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने आइंदा केस जस्टिस शाहिद करीम के पास लगाने का हुक्म भी दे दिया है। यानी जस्टिस शहजाद मलिक ने इस केस को द नेक्स्ट चीफ जस्टिस के रहमो करम पर नहीं छोड़ा, उन्होंने खुद ही फैसले में जुडिशियल ऑर्डर में बता दिया है कि ये केस बाद में कौन सुनेगा। इस सब के अंदर डीपीओ, आरपीओ और एसएचओ सरगोधा जो हैं उन्हें भी कंटेम्प्ट नोटिसेस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और इस सब के अंदर जो सेक्टर कमांडर आईएसआई सरगोधा हैं उनके वाले से भी चीज जो है वो सामने आई है और उनके वाले से भी ये बताया गया है कि एजेंसीज जो हैं उनके किरदार के ऊपर ये बताया गया है कि टाइम मांगा गया है बेसिकली और कहा गया है कि जी हमें टाइम दिया जाए, हम चीज़ों को देखना चाहते हैं। और रुखसत से कबल अहम फैसले पर इन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दस्तखत करके फैसला कर दिया है, फैसला जारी कर दिया है। और इस सब के अंदर बदनीयती के हवाले से बताया गया है कि ये डीएसपी हेडक्वार्टर, डीपीओ सरगोधा, डीएसपी सीटीडी और मुतलका एसएचओज की बदनीयती है जो कुछ भी इन्हें हिरासा किया गया। अफसरान ने वकला और साहिलीन को अदालत जाने से रोककर उनके आईनी हुकूक को मुतासिर किया। और इस सब के अंदर बहुत से इल्जामात और बहुत सी चीजें जो है विद रिगार्ड टू दी एजेंसीज उनके हवाले से भी इस डिसीजन के अंदर बहुत वाजे अंदाज में चीजें जो है वो लिखी गई हैं। और आइंदा टाइम के अंदर बताया गया है कि अदालत ने एटीसी जज के खतूत जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का भी हुक्म दे दिया है। यानी अब ये जुडिशियल ऑर्डर है जस्टिस शहजाद मलिक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कि जरा ये खतूत काजी को भेजें। वो काजी साहब जो कहते हैं कि मेरे दौर के अंदर तो कोई मुदाखलत हुई नहीं, उन काजी साहब को ये फैसले फौरी तौर पर भेजे जाएं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंबॉलिक। आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगाएं, आपको समझ आएगी। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है उसके हवाले से चीजें आपको पता है कि आज इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स जो लाहौर हाईकोर्ट ने बनाए वो केस चैलेंज किया हुआ था। एक तरफ तो पीटीआई के जितने एमएनए जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हैं लेकिन उन्हें फॉर्म 47 के मुताबिक हरवा दिया गया,
आज वो सारे मैं देख रहा था, माजी रिहाना डार, मेहरबानो कुरेशी, शौकत बसरा, कमल शोजब, सिमाबिया ताहिर, बाकी जितने पीटीआई के एमएनएज हैं वो सारे आज सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। और ये अच्छी चीज़ है कि प्रेशर इसी तरह से बिल्ड करना है, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने फॉर्म 45 के तहत जीते हुए उम्मीदवारों ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने एमएनएशिप का हल्फ उठाया। ये सिम्बॉलिक है, लेकिन ये अंदर बैठे काजी साहब के लिए एक बहुत वाज़े मैसेज है। अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ और चीजें भी रख दूं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने दो रुकनी हम ख्याल बेंच बनाया, और ये जस्टिस काजी फैज ईसा और नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल बेंच है। इसने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाप्त की। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर और पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट 140 के तहत इलेक्शन कमीशन ने जजेस तायुनाती के लिए लाहौर हाईकोर्ट को खत लिखा, जो 14 फरवरी को लिखा गया। इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अपनाया कि रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जजेस के पैनल की लिस्ट फराहम की जाए। सिकंदर बशीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन उसी रोज कर दिया था। रावलपिंडी और बहावलपुर ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को किया गया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने मौजज का लफ्ज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश करते हुए पूछा कि आपकी तालीम क्या है, कहां से पढ़े हैं। इस पर सिकंदर बशीर ने बताया कि मैंने इंग्लैंड से कानून में मास्टर्स किया है। काजी फैज ईसा ने कहा कि इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट के लिए मौजज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जजेस और पार्लियामेंटेरियंस को मौजज कहा जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट या अदालत को नहीं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए भी मुअज्जज़ का लफ्ज इस्तेमाल करें। और इस सब के अंदर जज साहब जो है, वकील साहब जो है, उन्होंने माजरत कर ली, यानी इट वाज इररिलेवेंट। इस चीज के ऊपर काजी साहब ने बड़ा बात की, लेकिन इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी। लेकिन जो अहम तरीन चीज है, काजी साहब ने आज अपना माइंड जो है वो वाजे कर दिया है। बादी उन नजर में काजी फैज ईसा ने काजी फैज ईसा जो कि चीफ जस्टिस हैं, उनका फैसला उनके रिमार्क्स के मुताबिक होगा, ये चीज वाजे हो गई है। काजी साहब ने आज ये कहा कि आइन बिल्कुल वाजे है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। आर्टिकल 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वाजे कर दिया है, हमने अदालती फैसलों पर हल्फ नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइन की तशरीह की, पेचीदगियां पैदा हुई। उन्होंने कहा कि हमने अदालती फैसलों पर हल्फ नहीं लिया, हमने आइन पर हल्फ लिया, और आइन वाजे है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। यानी काजी साहब ने अपना माइंड अपने रिमार्क्स के अंदर वाजे कर दिया और केस का फैसला अपनी तरफ से सुना दिया। लेकिन अब जारी बात है कि ये इस्तदा जो है इलेक्शन कमीशन की मुस्तरद करके मामला बेसिकली इन्होंने क्या किया, लार्जर बेंच को भेजने का फैसला कर लिया है। अब ये जो लार्जर बेंच को इन्होंने मामला भेजा है, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौरतलब है। इस पर भी सोचना चाहिए कि लार्जर बेंच भी काजी साहब क्या हम ख्याल ही बनाएंगे। ये भी तो इंतहाई हम ख्याल बेंच था, और अगर आपने लार्जर बेंच को ही मामला भेजना था तो आपने ईद से 2 दिन पहले ये केस फिक्स करके इस बेंच के, मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, व्हाटएवर इट इज, लेकिन लेट्स सी क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन काजी साहब ने आज अपना माइंड वाजे कर दिया, लेकिन पीटीआई वालों ने भी अपनी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर वाजे कर दिया है। और उसके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, अब हम कहें, उन्होंने जो दबंग काम किया जाने से पहले पहले, वो भी गौरतलब है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निकमान पाकिस्तान।